आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे के दिन मुझे बहुत ज्यादा काम होता है। जैसा कि आपको मैं बताई थी कि मेरा अभी घर का रेनोवेशन चल रहा है, पूरा पेंटिंग वगैरह हो गया है, किचन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ पूरा सामान वगैरह सारा सेट करने। और आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और बने रहिए साथ में, देखिए मेरा कितना सारा काम। यहाँ से मेरा काम हो गया है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं सर्फ निकाल रही हूँ, पहले मैं कपड़ा डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो इस तरह मैं सारे कपड़े को डाल देती हूँ जो जो धोना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था तो इसके कारण मतलब बहुत जमा हो गया था। तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ पहले कपड़ा ही धो लूँ, तो इधर कपड़ा लगा देती हूँ धोने के लिए और उधर मैं अपना काम भी साथ साथ करते जाती हूँ। तो सबसे पहला काम ये होता है कि सो के उठने के बाद अपने रूम बेडरूम को सही करना है। तो मैं अभी बेड आई हूँ अपना ठीक करने, जो भी कपड़ा वपड़ा है हटाती हूँ। और पिलो कवर मेरे को चेंज हर अल्टरनेट डे में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग वगैरह से होता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को, तो इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ हर अल्टरनेट डे। और वैसे करना तो मैं इस तरह पिलो कवर सबको लगा रही हूँ। तो होता है क्या, आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, आप लोग को तो पता ही है मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अरेंज करती हूँ क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं। तो मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी ही पूरा होम टूर करवाऊँगी और किचन का ब्लॉग मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो आज देखिए इस तरह से मैं अपने बेडरूम को साफ कर रही हूँ। जब भी होता है मतलब सारे सामान को अरेंज करो इधर उधर, बहुत ज़्यादा हो जाता है हेक्टिक। तो आप लोग देखिए किस तरह से एक हाउसवाइफ का होता है काम। तो अभी ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके रख देती हूँ। इस तरह मैं सारे ब्लैंकेट को फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड कर दिया है। तो देखिए इस तरह ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और फिर इधर भी जो सामान वगैरह होता है तो थोड़ा यूज़ करने पे तो डेली बिखरता ही है। तो अलमीरा वगैरह मेरा सेट है, वो भी बिखरा नहीं है तो उसको मैं आज रहने देती हूँ। और इधर जो टेबल है ड्रेसिंग टेबल, इस पर थोड़ा सामान इधर उधर है तो मैं इसको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का ही काम होता है कि पहले सामान सब इधर उधर हो, सबको सुबह सुबह अरेंज करो। और जो मेरी मेड है ना, वो बहुत सुबह ही आती है, तो जब वो आती है तो इधर बर्तन पोछा वगैरह ये सब करके वो चली जाती है। मतलब वो आती है 7 बजे के अप्रॉक्स में, तो उस टाइम तो हम लोग भी उठ जाते हैं, चाय वाय हो जाता है हमारा। उसके बाद मैं थोड़ा सा सुस्ताती हूँ क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने क्लीनिंग में लग जाती हूँ, मतलब जो भी मुझे साफ़ सफाई करना होता है। उससे पहले ही वो पोछा वगैरह सारा करके चली जाती है। तो अभी जो भी मेरा सामान था सब मैं अरेंज कर चुकी हूँ, जो भी इधर उधर होता है सबको मैं हटा देती हूँ। और उसी हिसाब से फिर जो मेरा कपड़ा था वो सबको मैं डाल दी हूँ, क्योंकि मेरा ये सब सूखा नहीं था, थोड़ा थोड़ा इसको सूखना है। वैसे तो धूप अभी आया नहीं है, पर मैं डाल चुकी हूँ। और उसी हाथ से फिर मैं क्या करती हूँ, पानी डाल देती हूँ फूल में। और अब मैं, मेरा जो सारा काम हुआ था घर का पेंटिंग वगैरह, तो पर्दा वर्दा मैं सब खोल के रखी थी, तो अब मैं सारा पर्दा लगाऊंगी। तो अभी क्या, इससे पहले वाले ब्लॉग आप देखते होगे तो मेरा दूसरा पर्दा लगा हुआ था, पर मैं आज चेंज कर रही हूँ, आज मैं दूसरा पर्दा लगा रही हूँ। उसको मैं पूरा धो के रख चुकी हूँ, और जब ये गंदा होता है तो फिर मैं उसको चेंज करती हूँ। तो इस तरह से मैं सारा पर्दा वर्दा इधर उधर जो भी है सब मैं सेट करूँगी, आप लोग देखिए। और हाँ, तब जब तक आप हमारे ब्लॉग में हैं तो प्लीज़ तब तक आप हमारा सपोर्ट कर लीजिए, थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये मेरे मेन गेट है तो आप तो देखे ही होंगे। तो सब मैं पर्दा लगा रही हूँ अभी, आप लोग बताना कैसा लगता है ये पूरा। जब ये होम टूर जाएगा ना तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको कलर पेंटिंग और डेकोरेशन वगैरह। मैं सब जल्दी ही दिखाने वाली हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें। इस तरह मैं फटाफट पर्दा लगा रही हूँ, सारे पर्दे को मैंने अच्छे से लगा ही दिया है। इधर का है और मतलब मेरा हॉल का पूरा ब्लू ब्लू कर दी हूँ। ये हॉल ही है, हॉल का जो उधर जाते हैं ना बेडरूम में वो वाला है, तो इसमें भी ब्लू ही लगाई हूँ। मतलब ये हॉल में पूरा ब्लू ब्लू करके लगाई हूँ, और उधर जो है ना बेडरूम वगैरह में पर्पल है।
इधर तब तक ये नाश्ता लेके आ गए हैं। कुलचे मैं मंगवाई थी क्योंकि इधर लेट हो जाता ना काफ़ी, मैं काम में लगी हुई थी तो ये बोले ठीक है मैं बाहर से ले आता हूँ, तो ये लेके आए। तो कुलचे में क्या, मुझे प्याज डाल के खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ और उस छोले में मैं डालूँगी। छोले कुलचे बहुत अच्छा लगता है। अब इधर मैं लग गई नाश्ता करके काम करने में, तो मेरा जो भी राशन वगैरह का सामान था सारा डब्बा में डालना था, तो मैं डालना स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा और मेरा इतना सर दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं सारा डब्बा में भरूँगी जो भी है मेरा सामान सब, इस तरह मेरा पूरा फोल्डिंग फुल हो गया है। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा डब्बा सब फिल करने में, क्योंकि मेरा सारा सामान सब ना, बहुत सारा सामान तो ऐसा ही रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि रख ही देती हूँ डब्बा में डाल डाल के, क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है तभी मैं रख लेती हूँ। और तो इसी तरह मैं सारे डब्बा में रख रही हूँ सामान सब, क्योंकि ये सब है ना कि थोड़ा हवा हवा लगता है तो ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं चावल आटा ये सब था सब सब मेरा खाली हो गया था, तो मैं सारा वही सब अभी रख रही हूँ इस तरह से। तो हो गया है, इधर से फिर ये आ गए हैं, तो फिर इनके लिए मैं बनाना शेक भी बनाने लगी, क्योंकि अगर मैं पूरा काम ही करती रहती तो फिर ये ऐसे ही बैठे रह जाते। तो फिर मैं इधर से इनको भी बना बना के कुछ दे ही रही थी। तो इधर मैं इधर आप लोग को अगर इसका रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से बना के डालूँगी। और काफ़ी अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी रहता है और एनर्जेटिक तो होता ही है। तो अभी मैं बनाना सीख बना रही हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मतलब तुरंत बना के अब पी सकते हो, तो सबसे ज़्यादा टाइम बचता है इसमें। इस तरह हो गया रेडी, अब मैं जा रही हूँ इनको दे देती हूँ। और इधर मेरा दाल भी हो गया है, चावल में चढ़ा दी, मतलब मैं तीन चार काम एक साथ कर रही हूँ। फिर मैं अपना चाय भी पीने लगी थी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। और इधर हो गया, इस तरह मैं साफ़ कर ली हूँ। अब इस पे बेडशीट वगैरह ये सब डाल के पूरा हॉल को मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मैं अलमारी वगैरह झाड़ रही हूँ, तो डस्टिंग तो डेली हो ही जाता है, कितना भी साफ करिए गंदा तो आ ही जाता है ना। और मैंने इस खिड़की में पर्दा नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि इसका जो वो है ना लगाने वाला हुक, वो मतलब जाता ही नहीं है, अच्छे से लगा ही नहीं तो गिर गया था। तो अभी मिस्त्री आएगा तो फिर सेट कर देंगे, फिर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्दा नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी बेडशीट भी मैं डाल देती हूँ, चेंज चेंज कर दिया है बेडशीट को। तो इस तरह मैं बेडशीट वगैरह डाल के पूरा हॉल को क्लीन करती हूँ, आप लोग देखिए। और हमारा अगर आप डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं अपना डेली का डालूंगी, लेकिन आप लोग देखते नहीं इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। मतलब इस तरह से मैं, मतलब डेली का ये काम है कि डेली आपको सफाई करना ही पड़ेगा, तो डेली डस्ट जमता है आके, जबकि सब जगह से पैक है फिर भी इतना तो होता ही है ना। सारा अभी क्लीन करूंगी पूरा हॉल। ये कॉटन का कपड़ा है ना, तो इसे साफ करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, फटाफट हो जाता है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होगा। इसको लकी बैम्बू बोलते हैं। और यहाँ पे तो इतना ज़्यादा जो सामान सब निकाली हुई, इतना ज़्यादा पॉलीथीन वगैरह हो गया है, तो मैं सोच रही पहले इसको भी हटा ही दूँ। तो पॉलीथीन जितना भी है पूरा यहाँ पे कचरा सा बन गया है, तो मैं सबको क्या करती हूँ एक में डाल देती हूँ, ताकि यहाँ से एक जगह ही फेंका जाएगा सब। इस तरह मैं सारे जो भी था कागज़ पॉलीथीन सब सबको मैं एक साथ ही रख दी हूँ। इस तरह मैं सारे डस्ट को हटा रही हूँ, सारे कचरा हटा रही हूँ। काफी ज्यादा हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत हो जाता है घर में। और मेरा मतलब मैं क्या एक दो दिन इधर गैप कर दी थी ना, इसके कारण थोड़ा ज्यादा हो गया है, जैसे रेगुलर होते रहता है तो उतना लोड नहीं होता। और मैं जो भी था इसमें तो झाड़ू पोछा हो रखा है, लेकिन मैं अभी जो की थी ना तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डस्ट आ गया, तो मैं इसको झाड़ देती हूँ, क्योंकि
इधर मेरा सब्जी, इधर फल फ्रूट ये सब था, फ्रीज और ये सब भी साफ कर लेती हूँ। मतलब ये मैं 2-3 दिन पे एक दिन करती हूँ ये सब झाड़ने वाला, और जो सोफा वगैरह है ना वो डेली करना पड़ता है। और इसमें फल फ्रूट रख के इस पे रख दिया है, अभी इधर डाइनिंग टेबल भी साफ कर लेती हूँ। और ये है पालक, तो आज मैं पालक का साग भी बनाऊंगी और पालक पनीर भी बनाऊंगी, तो अभी कंफर्म नहीं है कि बनाऊंगी, देखती हूँ। और उसका भी रेसिपी मैं ज़रूर डालूंगी, पालक पनीर का। तो इस तरह मैं पूरा साफ कर चुकी हूँ डाइनिंग टेबल वगैरह को, पूरा क्लीन हो जाने पे कितना सही लगता है, ऐसा लगता है एकदम सामान एक जगह है, ऐसे नहीं तो बिखरा बिखरा रहता है, एकदम अच्छा नहीं लगते रहता है, आधा सामान इधर उधर। इसके ग्लास पे भी थोड़ा सा आ गया, इसको तो मैं करूँगी कॉलिन से साफ, लेकिन अभी मैं जस्ट झाड़ दी हूँ, थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है। तो इस तरह मैं पूरा झाड़ भर के, से इधर वाला सोफा बच गया तो इधर भी झाड़ लेती हूँ थोड़ा। इस तरह मैं सारा मेरा हो गया, डस्टिंग हट गया है, पूरा हो गया है डस्टिंग। अब मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसे तो मेरे जो आंटी है ना जो काम करती है, वो सुबह में ही आके 7 बजे ही लगा देती है झाड़ू पोछा सब, लेकिन मैं अभी थोड़ा साफ़ की हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो गया है सामान, तो मैं भी इसको झाड़ू से मार देती हूँ, है ना। तो मेरा हो गया है तो साफ़ सफाई का काम, कुछ ज़्यादा ही आज व्यस्त वाला मेरा शेड्यूल था, तो आज मैं जाती हूँ, अब नहाऊंगी। बीच में तो आप देख ही रहे थे कितना ज़्यादा काम हो जा रहा था, और अब बच गया है मेरा खाना बनाना, ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, बस अब मैं भुजिया साग ये सब जो भी होगा मैं वो बनाऊंगी। तो इधर मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ा मेरा किचन का भी इधर उधर हो रखा था ना सामान सब, टमाटर और पॉलीथीन में था तो सबको रख दिया है। और जो साग था मेरा पालक, उसको मैं काट लेती हूँ, काट के मैं चढ़ा देती हूँ, फिर उधर नहाने जाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा होता है ना टाइम लगता है इसमें से पानी वो करने में। तो और मुझे साग का ये भुजिया जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है, साग को जस्ट फ्राई करके जो खाते हैं, तो अभी मैं वही बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं काट के इधर चढ़ा देती हूँ और फिर मैं उधर जाऊँगी नहाने धोने जो भी है, जैसे रेडी होंगी तब तक, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम भी लगाएगा, ऐसे मेरा टाइम बच खाना जाएगा। मेरा हो ही गया है, तो अब जो मेरा बचा हुआ है जैसे सब्जी भुजिया साग ये सब, तो वो सब मैं बना लूँगी और उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। तो काफ़ी लेट हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और फिर आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।